नमस्कार दर्शकों, आप सभी का DHP न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है तारीख 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार। हिमाचल प्रदेश की आज की मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरों के बारे में अधिक जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। रोहडू में फटा बादल, कार बही, सराज में घर पर मलबा गिरने से युवक की मौत, ब्यास में एक और शव मिला। ऑरेंज अलर्ट के बीच रविवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से नुकसान हुआ है। रोहडू के भलाड़ा पंचायत के तहत मलखून नाले में गत रात करीब 3 बजे बादल फट गया, इससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं सड़क किनारे खड़ी एक कार भी पानी के तेज बहाव में बह गई। मंडी में सराज के गांव मिहा संदोचा में सुबह 5 बजे घर पर पहाड़ से गिरे मलबे में दबने से बाल कृष्ण पुत्र डोला राम की मौत हो गई। उधर मंडी के धर्मपुर क्षेत्र में कांढापत्तन के पास ब्यास नदी में एक शव मिला। मृतक कुल्लू जिले के रहने वाला था। उसके बाजू पर राजकुमार नाम का टैटू था। कुल्लू के साड़ा भाई थाना में राजकुमार के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज है। रोहडू में बादल फटने के बाद शिकड़ी खड्ड का जलस्तर बढ़ने से रोहडू बाजार के साथ समाला में खड्ड किनारे बने झुग्गियों में पानी और मलबा घुसने से करीब 2 दर्जन परिवार प्रभावित हुए हैं। सावड़ा कुड्डू परियोजना के डैम साइट के साथ चामसू के लिए बनाई सड़क का 1 किलोमीटर हिस्सा डैम में समा गया, इससे नकदी फसलों को मंडियों तक पहुंचाना बागवानों के लिए चुनौती बन गया है। वहीं एक सप्ताह बाद मनाली चंडीगढ़ और कुल्लू मंडी हाईवे खुलने के बाद कुल्लू से दिल्ली, पठानकोट, धर्मशाला और शिमला के लिए बस संचालन शुरू कर दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद मंगलवार से अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट रहेगा। 17 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट के बीच एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 17 जुलाई के लिए अवकाश घोषित किया गया। किन्नौर जिले के अलावा चंबा जिला के पांगी और भरमौर में भी अवकाश रहेगा। इसके अलावा CBSE, ICSE और अन्य बोर्डों के स्कूल अपने स्तर पर निर्णय लेंगे। मनाली के हनुमान टिब्बा के रास्ते में मिले लापता 2 पर्वतारोहियों के शव। हनुमान टिब्बा में लापता हुए 2 पर्वतारोहियों के शव रविवार को बरामद कर लिए गए। हनुमान टिब्बा के रास्ते में टेंटू गली नामक स्थान में दोनों शव बर्फ में दबे मिले। 25 सदस्यीय रेस्क्यू टीम शव को मनाली लाई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले 4 पर्वतारोही हनुमान टिब्बा की ओर गए थे। 3 पर्वतारोही मनाली जगतसुख के रहने वाले थे, जबकि चौथी महिला पर्वतारोही कर्नाटक की रहने वाली है। इन लोगों ने 9 जुलाई को अपने फंसे होने की सूचना दी थी। SDM मनाली ने रेस्क्यू टीम मौके पर भेजी। 2 पर्वतारोही विशाल और कर्नाटक की लड़की हर्षा गणपति पाल को रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि जॉनी और रवि का कोई पता नहीं चला। इसके बाद 2 दिन पहले जगतसुख से 25 सदस्यों की रेस्क्यू टीम हनुमान टिब्बा की ओर गई। शुक्रवार और शनिवार को अटल बिहारी पर्वतारोहण एवं खेल संस्थान से 2 टीमें भेजी गई, जिन्होंने उनके शव ढूंढ निकाले। 1844 आउटसोर्स कर्मियों को राहत, 30 सितंबर तक बढ़ाई सेवा निधि। कोविड काल के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर भर्ती किए गए 1844 कर्मचारियों की सेवाएं 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। कोविड-19 महामारी के समय विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर स्टाफ नर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित अन्य श्रेणियों के 1844 कर्मचारी भर्ती किए गए थे, जिनकी सेवा अवधि 30 जून को समाप्त हो गई है। सरकार ने इस अवधि को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश सरकार को लगभग 15 करोड़ रुपए अतिरिक्त वहन करने होंगे। 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या, आरोपी चाचा गिरफ्तार। शिमला जिले के कोटखाई में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 4 साल की मासूम बच्ची की उसके चाचा ने हत्या कर दी। बच्ची का शव घर से 200 मीटर दूरी पर मिला। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची के शव का कोटखाई अस्पताल में पोस्टमार्टम कर दिया गया। बच्चे के पिता ने अपने चचेरे भाई पर कत्ल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नेपाली मूल का 19 वर्षीय युवक है। दानी लोग डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड, UPI से कर सकेंगे दान। हिमाचल प्रदेश में दानी लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड और UPI जैसी विभिन्न भुगतान विधियों का उपयोग कर कहीं से भी इस आपदा राहत कोष 2023 में अंशदान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के उद्देश्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू करते हुए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में भारी बारिश के कारण आई विपदा से प्रदेश को उबारने के लिए देश और विदेश से लोगों से सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है। लोग सुविधाजनक तरीके से सहायता राशि उपलब्ध करवा सकेंगे। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग ने एक पारदर्शी वेब लिंक विकसित किया है। इस लिंक से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अंशदान कर सकता है और अपने मोबाइल डिवाइस पर रसीद प्राप्त कर सकता है। 18.5 साल की विवाहिता पहुंची डिलीवरी करवाने, पति पर दर्ज हुआ मामला। हिमाचल में दुष्कर्म के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को राजधानी शिमला में एक बच्चे और एक नाबालिग से रेप की घटना सामने आई है। वहीं अब हिमाचल के बिलासपुर जिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। यहां एक पति पर गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हिमाचल के बिलासपुर जिला में एक गर्भवती महिला के साथ उसके ही पति द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल विवाहिता गर्भवती है और उसे डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां जांच करने पर उसकी उम्र 18.5 साल पाई गई, जिसके अनुसार उसके पति ने उसके साथ उस समय संबंध बनाए थे जब वह नाबालिग थी। यही नहीं, गर्भवती महिला प्रवासी है और व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है कि उसने प्रवासी नाबालिग लड़की से बहला फुसलाकर शादी की और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी के खिलाफ महिला पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने आगामी जांच शुरू कर दी है। जीजा ने साली को बना दिया गर्भवती, पीड़िता बोली जबरदस्ती बनाए थे संबंध। हिमाचल की राजधानी शिमला अब महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। आज एक ही दिन में 2 दुष्कर्म के मामले सामने आ गए। पहले 4 साल के मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया था। वहीं अब एक अन्य मामले में एक जीजा ने अपनी ही साली से दुष्कर्म कर डाला। मामला हिमाचल की राजधानी शिमला के ठियोग से सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार ठियोग में कलयुगी जीजा ने अपनी नाबालिग साली को अपनी हवस का शिकार बना डाला। मामले का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग के पेट में दर्द होने लगा। परिजन उसे जांच के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे गर्भवती बताया। चिकित्सकों की बात सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले की पुष्टि करते हुए DSP ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है। आज का सुविचार, व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वो ही सबसे बड़ा मौका है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।